बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, एनटीएसएस पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अभी अभी पीएटी का पेपर हो चुका है। आज 24/1/2021 को पेपर अभी कंप्लीट मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन पहुंच चुके हैं उन कॉल कर लेते हैं, और जिन दोस्तों के पास अगर कंप्लीट पेपर है तो प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दें 03466567708 पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों बताते चलो कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी करें। तो क्वेश्चन नंबर 27, ये मैथमेटिक्स का एक पेज है, इसको पहले हल करते हैं। देखिए, ये पीएटी का पेपर है, आज हो चुका है। पीएटी बीपीएस 15 व्हाइट कलर की बुक है, 2020 का पेपर। और यहां पर क्वेश्चन 27 नंबर, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट इज 5, 4, 3, 7 और 9। मीन का मतलब एवरेज होता है दोस्तों, याद रखें, मीन का मतलब एवरेज। तो अब इन तमाम को जमा करें, 9 और 7 16 और 19 20 23 और 5 28, तो इसका आंसर आएगा 28 अगर इसको आप जमा करें, और इसको डिवाइड करना है आपने 5 पर, क्योंकि 5 छीन से हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 5 25 5 आएगा और आगे चला जाएगा 30 और 5 6 30, तो 5.6 इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 जो है दोस्तों, 28 नंबर, 2 6 ए एंड बी विल बी डिसजॉइंट इफ देयर, 2 6 डिसजॉइंट होंगे बशर्ते कि उनका इंटरसेक्शन जो हो वो एम्प्टी सेट हो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 29, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू द टू नंबर। जिस तरह परस करें, हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 और 8। सपोज ये हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें नहीं है, तो इनका आएगा 3 8 24 24 आएगा। और इस एचसीएफ इसका आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 1। 3 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो आप देखिए, इन दोनों को, ये एलसीएम और इससे इनको दोनों को जरब दे दे तो 24 आएगा, और इनको जरब दे दे 3 8 24 आएगा। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज इक्वल टू -4^3। तो 3 जो 4 ने 3 दफा जरब काया है, 4 4 16 16 4 64, और -4 इसका पावर जो है वो 3 है, तो यहां पर माइनस आएगा। और जमा 4 4 16, इसके साथ 16 जमा करें, अच्छा जमा 16, तो इसको ये माइनस है, देखिए याद रखें, तो -64 में से 16 माइनस करना है, 16 तो आएगा 8, और वो आएगा 5 में से 1 48, तो इसका आंसर आएगा -48 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक पोर्शन की बाकी पेपर जो है वो, ये आप जो है ये जनरल साइंस का पार्ट है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जिन दोस्तों के पास मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो जल्दी से मुझे सेंड कर ले, ताकि पहले मैथमेटिक्स को हल करें, बाद में दूसरे पार्ट्स को हल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।